के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। आवर ग्रेसियस हेवनली फादर, थैंक यू फॉर द डे लॉर्ड दैट वाज गिवन। प्रभु आज का दिन आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। सुबह से लेके पिता परमेश्वर आप हमें मदद करें, सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। वेलकम टू राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ, परमेश्वर के वचन को सही रीति से बांटना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। जिस तरह आप प्रार्थना करते आ रहा है, लगातार आप प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर के नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु महान और दयालु और प्रेमी है, कृपालु है। आज का जो हमारा विषय है उस विषय के बारे में हम बातचीत करेंगे, रैप्चर के बारे में बातचीत करेंगे। और ये रैप्चर क्या है इसके बारे में हम देखेंगे और परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहते हैं इसके विषय में। देखा जाए तो बाइबल के अंदर बहुत सारे रैप्चर है, तो सबसे पहला जो रैप्चर हमने देखे थे उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखे थे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से और आपके लिए हम पढ़ेंगे। उसकी 5 अध्याय को हम देखेंगे परमेश्वर क्या बात करते हैं यहाँ पर। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 5 अध्याय को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने देखे है कि रैप्चर जो है सबसे पहले किसका हुआ था, इनोक का हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 5:24 हम देखेंगे आपके लिए पढ़ेंगे। प्रभु महान और दयालु है, हालेलुया। इनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। सी इनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो लोप हो गया और परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया है, उठा लिया। मतलब उठा लिया ऊपर की ओर लेके गया, उठा लिया। तो ऐसे हमने आगे भी जो हम देखेंगे तो उठा लेना मतलब रैप्चर, कॉटअप, इंग्लिश में कॉटअप कहते हैं, ऊपर उठा लेना, ऊपर की तरफ लेके जाना। तो हमने देखा कि इनक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर जब समय आया उसको उठा लिया। उसके बाद हम देखेंगे एलाइजा के बारे में, एलाइजा को भी परमेश्वर ने क्या कर लिया है, ऊपर की तरफ ले लिया है। जब एलाइजा के बारे में जब हम देखते हैं उसकी दूसरा राजा उसकी 2:11 में, जब दूसरा राजा 2:11 को पढ़ते हैं प्रियो, इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जो धारणा है उसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा राजा उसकी 2:11 है, लाइजा को क्या कह लिया, उठा लिया गया है। और लाइजा को जो उठा लिया गया है और उसके साथ था एलिशा, तो एलिशा ने भी जो है दूसरा राजा उसकी 2:11 आपके लिए मैं पढ़ूंगा। और वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निपथ रथ और अग्निमय घोड़ा ने उनको अलग अलग किया और एलिया बाउंडर में होकर सब पर चढ़ गया। इनोक को हमने देखा कि इनोक को लुप्त हो गया, इस सर्प पर चढ़ गया। परंतु जब दूसरा इतिहास की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी जब हम देखते हैं उसकी 21:12 दूसरा इतिहास 21:12 वहां पर कुछ चीजें हमें दिखाई देते हैं। तो इस चीजें के बारे में आप भी पढ़ाई करें और मैं भी आपको बताना चाहूंगा। 21:12 दूसरा इतिहास 21:12 को देखिए, यहाँ का परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। दूसरा इतिहास 21:12 को हम देखेंगे, करेक्ट। 21:12 में तब एलिया नबी का एक पत्र
उसके पास आया, मेरे मल्ल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो ना तो अपने पिता यहोशपत को लिख पर चला रहे ना यूदा के राजा आशा के लिख पर। इस बात को आपने नोटिस किया? दूसरा राजा में हम देखे थे एलाइजा को ऊपर स्वर्ग में चढ़ा दिया, चढ़ गया। अगर उस स्वर्ग में चढ़ गया, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसकी 21 का 12 आयत में क्या कह रहे हो? एक लेटर लिख रहे। तो कहीं लोगों की धारणा है कि वो चढ़ गया, तो लेटर कहां से लिख रहा है फिर? क्या ऊपर से लिख रहा है? आप भी स्टडी करें इसके ऊपर। मेरा धारणा यही है जो परमेश्वर की वचन में रिकॉर्ड है, एक जगह से लेकर परमेश्वर दूसरे जगह पे भी रख सकते हैं। किसके केस में हुआ है? फिलिप के केस में ऐसा हुआ है। जब प्रेरितों के काम 8 अध्याय को हम पढ़ते हैं, उसके 8 का 31 से हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 31 आयत को, उसमें हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 31 आयत से हम पढ़ेंगे। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास उठे, पवित्र शास्त्रों को जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये है, वो भेड़ के समान बद होने को पहुंचा गया, और जैसा मेमना आपने उन करने वालों के सामने चुपचाप रहता था, ऐसे ही आपने ही अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसकी न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोग वो वर्णन वो करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उनका प्राण उठा लिया जाता है। उस पर खोजों ने फिलिपियों से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है और उसने ये किस दूसरे के विषय में? तब फिलिपियों ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्रों में से प्रारंभ उसके यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे, वो खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, तब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपियों ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजों ने दोनों जल के उतर पड़े और उसने खोजों को बपतिस्मा दिया। तब वो जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप को उठा लिया गया, खोजों ने उसे फिर ना देखा। सी, प्रभु का आत्मा उसको उठा लिया गया है, एक जगह से दूसरे जगह लेके गया है। तो क्यों ना एलाइजा का केस में ऐसे ही हुआ होगा? क्योंकि एलाइजा स्वर्ग में चढ़ा ऊपर की ओर। स्वर्ग के बारे में, तीन चीजों के बारे में, तीन स्वर्ग है, एक तीसरा स्वर्ग है, एक दूसरा स्वर्ग है और एक पहला स्वर्ग है। पहला स्वर्ग मतलब जहां पर हम पक्षिया जहाज जो उड़ते रहते उसको पेश कहते हैं, या पहला स्वर्ग करते हैं। दूसरा जो स्वर्ग है और तीसरा स्वर्ग के बीच में जहां पानी इकट्ठा होकर रखा है, क्योंकि तीसरे स्वर्ग तक कोई पहुंच नहीं पाता। हो सकता है कि परमेश्वर एलाइजा को एक जगह से फिलिपुस की तरह दूसरे जगह ले गया, तभी वो दूसरे जगह से एक लेटर लिख रहे। अब अध्ययन करें और उसको जाने, परमेश्वर की वचन को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर की वचन को सही रीति से बांटना। अगर मेरे प्रचार से एक लोग बच जाए, मैं सबसे धनवान व्यक्ति। हमें सही प्रचार करना चाहिए, ना कि परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर
पेश करना चाहिए. डू नॉट ट्राई टू ट्विस्ट द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ कर कोई सामने ना लाए. डू नॉट ट्राई टू रिप्लेस द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर की वचन वचन को बदलने की कोशिश ना करें. इफ यू राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ देन यू आर नॉट रॉन्गली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ. अगर वचन को आप सही ढंग से सही रीति से बांट रहे तो आप गलत रीति से नहीं बांट रहे. क्योंकि परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर की वचन दो धड़ी तलवार है, दोनों तरफ काटते हैं और वो जीवित है. मत्ती उसकी 4:4 में, लूका उसकी 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेगा प्रियो, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे बचेगा. अगर आप परमेश्वर के मुंह से निकलुई वचन जो परमेश्वर के वचन है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, इसको अगर सही रीति से सही ढंग से हम बांटते हैं प्रियो, परमेश्वर के आत्मिक आशीष, परमेश्वर जो गारंटी दिया है जिससे आप उन्नति करते चले जाएंगे और परमेश्वर की ज्ञान से आप भर जाएंगे, एक परमेश्वर का वायदा है. तो जैसे हमने देखा फिलिपुस को उठा लिया गया, इनोक को उठा लिया गया, एलाइजा को उठा लिया गया, ऐसे ही परमेश्वर ने एक नया रेवुलेशन परमेश्वर ने पौलुस को दिया है. ये नया रेवुलेशन परमेश्वर ने सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब से दुनिया शुरू हुआ परमेश्वर ने किसी को डिस्पेंस नहीं किया. सिंस द वर्ल्ड बिगेन परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के बारे में शुरुआत से बताते रहा. एक तो परमेश्वर ने क्या नहीं किया, किसी को बताया नहीं है, और एक परमेश्वर ने शुरुआत से बताया है. प्रेरितों के काम उसकी जब हम तीसरी अध्याय 21 आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ प्रेरितों के काम उसकी तीसरी अध्याय 21 आयत को हम पढ़ेंगे. क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन के, अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है. सिंस द वर्ल्ड बिगेन थ्रू द प्रॉफेट्स थ्रू देयर माउथ जीसस क्राइस्ट prophesize and speak through them what is going to happen. Now, Romeo chapter उसके 16 का 25 आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं इसके बारे में हमें जानना जरूरी है. रोमियो उसकी 16:25, आप जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह की संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा. सी, एक तो परमेश्वर ने डिस्पेंस किया है भविष्य वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, इज़राइल के लिए मारा जाएंगे, गाड़ा जाएंगे, तीसरे दिन जी उठाएंगे, परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में करेंगे. ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है. जैसे हम मत्ती सुसमाचार उसकी 6:10 को पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है पृथ्वी में पूरी हो जाए, ऐसे परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करके रखा हुआ है कि परमेश्वर की राज की स्थापना क्या इस पृथ्वी में होगा. परंतु परमेश्वर जो पौलुस को एक छुपी हुई गुप्त बात दिया है, छुपी हुई गुप्त बात का मतलब होता है परमेश्वर की ज्ञान. परमेश्वर ने पौलुस को छुपी हुई एक नया प्रकाश दिया है. क्या प्रकाश दिया है? सुसमाचार के जरिए पर लोग क्या हो जाएंगे, परमेश्वर में आएंगे. फिर से पढ़ूंगा, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकते हैं. When you preach the Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रचार करते उसकी संदेश के अनुसार क्या होंगे, प्रचार के अनुसार
उस भेद के प्रकाश अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, सिंस द वर्ल्ड बिगेन, ये परमेश्वर में छुपा रहा, आप प्रकाश में आया। परमेश्वर ने पौलुस को पकड़ कर दिया, परंतु ये प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तक द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। तो परमेश्वर ने एक सुसमाचार जो है पौलुस को दिया है, और सुसमाचार के जरिए क्या होंगे, अन्य जाति बचाए जाएंगे। अन्य जाति कौन थे? परमेश्वर से दूर थे। अन्य जाति के लिए क्या नहीं था? कोई आशा नहीं था। पौल पत्रस कहते हैं प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसकी 28 आयत को आप पढ़िए, हम इसमें क्लियर लिखा है, उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। कौन कह रहा है? पत्रस कह रहे, अन्य जाति की ओर जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। कितने चैप्टर हो चुका है प्रेरितों के काम? 10 अध्याय। तो आप मुझे बताएंगे पत्रस किसके बीच में सेवा कर रहा था? पत्रस यहूदियों के बीच में सेवा कर रहा था। 10 अध्याय में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, पत्रस आप उठ जा, अन्य जाति के बीच में सेवा कर। परंतु जब हम गलतियों की पत्री उसकी 2 अध्याय को जब हम पढ़ते उस पर हम देखते हैं परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से इस बात को बता रहे कि परमेश्वर ने किस तरह की सेवकाई पत्रस को दिया। गलतियों की पुत्री 2 अध्याय 7 आयत, परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया। कौन है खतना किए हुए लोग? इज़राइल है। परमेश्वर ने डिस्पेंस किया है, परमेश्वर एक जैसा है। इब्रानी, थोड़ा देर के लिए हम यहाँ रुकते हैं, इब्रानियों की पत्री उसकी 13:8 को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जैसे, वो बदलता नहीं है, ना तो हम कोई उसको बदलने की कोशिश करें। क्या कहते हैं इब्रानियों की 13:8, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक जैसा है। जीसस इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ काम जो है भविष्य वक्ताओं को दिया है, कुछ काम परमेश्वर ने प्रेरित को दिया है, कुछ काम प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दिया है। तो वही यहां पर कहता है कि पत्रस खतना किए हुए लोगों के बीच में सेवा कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने एक नया प्रकाश जो है पौलुस को दिया है, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर ने क्या किया है? कुछ अनुग्रहों को परमेश्वर ने क्या किया? डिस्पेंस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, दिया। किसको दिया? ये सनातन से छुपा रहा। अगर इस हिस्सा को हम हटा दे आपको एक जैसा पूरा दिखेंगे। पौलुस ने 13 पुस्तक लिखा है, परमेश्वर ने एक ग्रेस उसको दिया है, और इसके बारे में पौलुस कहता है कि मैं क्या हूं? अन्य जातियों के लिए सेवक हूं। रोमियो उसकी पुस्तक में 11:13 में कहते हैं मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। हा? और 1 करंथ की पुस्तक उसकी 15:16 में कहता है मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। प्रियो, पौलुस कौन है? पढ़े रोमियो उसकी 11:13 को हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं पौलुस यहाँ पर? कहते हैं मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो परमेश्वर ने एक अलग सुसमाचार जो है दिया है। किसको दिया है? पौलुस को दिया है। 11:13। प्रियो, जब हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं परमेश्वर हमें क्या देते हैं? आशीष देते। फेथ कम बाई हियरिंग, हियरिंग बाई द वर्ड ऑफ गॉड।
विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, मेरे मन की बात करने से आपको आशीष नहीं मिलेगी। 13 में क्या कहते हैं, रोमियो उसकी 11, मैं तुम अन्य जातियों को ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। गॉड हैज सेपरेटेड हिम फॉर द स्पेशल गॉस्पल ऑफ ग्रेस। परमेश्वर ने एक अद्भुत सुसमाचार पौलुस को दिया है और उसके लिए पौलुस को परमेश्वर ने क्या किया है, अलग किया है। हम जानते हैं पौलुस की, जब 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, पौलुस कौन था, एक सॉल था उसका नाम, और 12 चेलों को वो सताने के लिए निकला। क्यों निकला था पता है, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट प्रभु यीशु मसीह 12 चेले आके क्या प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, देखो परमेश्वर का राज निकट है। तो पॉल जो सॉल था वो क्या सोचने लगे कि हमारा धर्म के ऊपर उसने क्या किया है, आघात किया है, घात किया है, इसीलिए वो गुस्सा हो गया है और ये 12 चेले को सताने लगा, क्योंकि उसका जो धर्म के अनुसार, जो रीति रिवाज के अनुसार, 613 लॉस के अनुसार वो चल रहा था। अचानक प्रभु यीशु मसीह आके एक सुसमाचार लेके आए, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह 12 चेला जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार कर रहा था, उसको पचा नहीं है, इसीलिए उसको सताने के लिए, मारने के लिए जब जा ही रहे थे, मार ही रहे थे, तब परमेश्वर ने उसको पकड़ा दमस्कस में। 9 अध्याय में हम देखते हैं, तो वो चिल्ला कर बोलता है, प्रभु तू कौन है, प्रभु कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह हूं जिसको तू सता रहा है। उसके बाद परमेश्वर ने उसको नया रेगुलेशन दिया है, प्रेरितों के एपिसोड की पत्री उसकी 3 अध्याय को जब हम देखते हैं, पढ़िए मेरे साथ एपिसोड की पत्री उसकी 3 अध्याय। परमेश्वर ने एक नया प्रकाश दिया है, किसको दिया है, पौलुस को दिया है, जो सनातन से छुपा रहा। 3:6 अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक देह की और प्रतिज्ञा की भागी होंगे। अन्य जाति क्या हो जाएंगे, प्रतिज्ञा में भागी हो जाएंगे। 5 आयत को पढ़ेंगे, जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके प्रेरित पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया गया है। परमेश्वर ने ये जो गुप्त बातें, जो नया रेवलेशन अपने पास छुपा के रखा था, किसी को नहीं बताया था, ये मिस्ट्री था, ये भेद की बातें था। मिस्ट्री मतलब परमेश्वर की ज्ञान छुपी हुई ज्ञान, अर्थात 3:3 अर्थात ये है कि ये भेद की मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। सी परमेश्वर ने उसको क्या दिया, एक रेवलेशन दिया, प्रकाशन के जरिए परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया, प्रकट किया, जो परमेश्वर क्या किया था, अपने पास छिपा के रखा था, प्रकट किया, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुमने पढ़कर जानते हो। तो प्रियो, परमेश्वर ने एक नया रेवलेशन दिया है, नया रेवलेशन में क्या है, एक सुसमाचार है। आप जानते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 3rd दिन जी उठा, 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15:3-4 में लिखा हुआ है, जिससे हम स्थिर हो सकता है और जिससे हमें उद्धार मिलते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं। परंतु करंथियों के लोगों के बीच में बहुत बड़े एक जो है चिंता फैल गई थी, अब जो हम बचाया गया है, हम मरने के बाद हमारा क्या होगा। जो छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने पौलुस को दिया, वो बात परमेश्वर ने पौलुस 1 कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 15 अध्याय पौलुस यहां पर प्रकट कर रहा है कि तुम चिंता ना करो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, उपाय किया है। ये भाइयों मैं कहता हूं, 50 आए 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 15:50, ये भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी
नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी को अधिकारी हो सकते है प्रियो। सो महासार लहू नहीं पहुंचेंगे, इसके बारे में और भी मैं कभी आगे बताऊंगा एडॉप्शन के बारे में। हमें जो है ले पालक पुत्र करके ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह के जारी, प्रभु यीशु मसीह में। अगर कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने ए को चुन लिया प्रीडिस्टाइन पहले से चुना लिया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें चुना है। हमारा शरीर प्राण प्राण और आत्मा को एडॉप्ट किया है परमेश्वर ने जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने पहले से प्रीडेस्टिनेट करता तो मांस और लहू परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। एक महिमामय शरीर की आवश्यकता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा और लोगों ने उसकी शरीर को छूने की कोशिश की, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मुझे छूना नहीं है। एक महिमामय शरीर परमेश्वर हमें देंगे और जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। तो यहां पर आगे मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। देख मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं, ये छुपी हुई गुप्त बात था, ये भेद की बात है। परमेश्वर ने एक भेद की बात यहां पर पौलुस को दिया है, द मिस्ट्री पॉल एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, छुपी गुप्त बात, भेद की बात कहता हूं। हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूके जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहन देह अमृता को पहन ले। और जब वो नाशवान अविनाशी को पहन लेगा वो और ये मरणहन अमृता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएंगे। सो ये छुपी है गुप्त बात, पौलुस कहता है हम सोएंगे नहीं, क्योंकि जो प्रभु में सो गया है वो कहा गया कि सबसे पहले वो जी उठेंगे। जो जीवित है उसका क्या हो जाएगा, जो प्रभु में सोया है, मतलब पौलुस के सुसमाचार के अनुसार जो प्रभु में सोए हैं, पौलुस के सुसमाचार के अनुसार जो सोए हैं वो क्या होंगे, सबसे पहले जी उठेंगे और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, उसको महिमामय शरीर मिलेगा और परमेश्वर देगा और हमारा शरीर क्या होंगे, तब बदल जाएंगे। परंतु जब हम प्रभु में सोता है हमारा प्राण और आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचता है डायरेक्ट, परंतु शरीर जो है वो रिडीम होगा जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पे आ गए, पीसीए उसकी 4:30 आयत को जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो प्रियो, यहाँ पर एपिसियों की पत्री में कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है बदल जाएगा। अब देखेंगे पहला थिसलोनी की पुस्तक उसकी चौथी अध्याय को हम पढ़ेंगे, पहला थिसलोनी की पुस्तक उसकी चौथी अध्याय को हम पढ़ेंगे, 4:13 से पढ़ेंगे। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। शोक कौन करते हैं, जिन्हें आशा नहीं है वो शोक करते हैं, परंतु तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस यहाँ पर हमें सांत्वना दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, हमें प्रोत्साहन दे रहा है, डोंट बी अनहैप्पी पौलुस कहते हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो ऐसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले जाएगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से ये कहता हूं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन उतर रहा है, जीसस स्वयं स्वर्ग से उतर रहा है, तीसरी हेवन से उतर रहा है। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा
और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, उन तुरी फूकेगा परमेश्वर स्वयं, और जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जब हम जीवित और बचा रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों पे एक दूसरे के शांति दिया करो। परमेश्वर की शांति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अशांति की बात नहीं कर रहे। ऐसे हम क्या करेंगे, परमेश्वर के पास हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। हम हेवनली है, इज़राइल अर्थली है। हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु पौलुस के जरिए एक नया प्रकाश दिया है, द मिस्ट्री, द छुपी हुई गुप्त ज्ञान, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह परमेश्वर दिया है। अनुग्रह से हमको क्या मिलेंगे, एक नया जीवन मिले, एक अनंत जीवन मिलेगा जब हम विश्वास करते हैं। हमें पवित्र आत्मा से सील्ड हो गया है, एपिसोड की 13 में है, प्रभु यीशु मसीह लहू बहाने से हमें क्या मिला है, हमें अनंत जीवन मिला है। परंतु मत्तयो सुसमाचार उसकी 24 अध्याय जब को हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या कहते हैं हम देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ लोगों की धारणा भी है कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, 24 की उसकी 31 आय। तब उनकी आंखें खुल गए, मत्तयो सुसमाचार उसकी 24 का 31 आय, 24 का 31 आपके लिए मैं पढ़ूंगा। वो और वो तुरही के बड़े शब्दों के साथ, ये कब हो रहा है प्रिय, उससे पहले हम 29 से पढ़े, उन दिनों की क्लेश के तुरंत बाद, एक महा क्लेश आ रहा है, क्लेश के तुरंत बाद क्या होगा, क्लेश से पहले नहीं, पौलुस क्या बता रहा था अभी, शांति की बात करो, यहां कर क्या बता रहा है, क्लेश की बात कर रहा है। जब पौलुस हमें सांत्वना दे रहा है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहां चिंता किसकी बात है, जो विश्वास इज़राइल जो विश्वास करते हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर उसको क्या करेंगे, बचाएंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा उनके लिए चिंता की विषय है, एक महाक्लेश आ रहा है। क्या कहते हैं मत्ती उसकी 24 का 29, उन दिनों को क्लेश के तुरंत बाद सूरज अंधेरा हो जाएंगे, क्या हो गया अभी तक नहीं हुआ, चंद्रमा प्रकाश जाता रहेंगे और तारे प्रकाश से और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सारे आकाश से तारा गिर पड़ा अभी तक नहीं गिर पड़ा, भविष्य में गिरेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों की बड़ी सामर्थ और आश्चर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और ये तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, परमेश्वर ने किसको भेज रहा है, अपने दूतों को भेज रहा है प्रभु। और पौलुस क्या बात कर रहे हैं वहां पर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, हम कहां मिलेंगे परमेश्वर को, बादलों पे, हम बदल जाएंगे, परमेश्वर से मिलेंगे। पहला ग्रंथों के पुस्तक उसकी 15 अध्याय 50 से जब 51 आय को पढ़ते हैं, हम खुद उसको मिलने के लिए जा रहा है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत को पृथ्वी पे भेज रहे हैं, दोनों में फर्क है क्या, नहीं है फर्क है प्रभु। इसीलिए मैं कहता हूं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, अगर हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से बांटेंगे तब हमें समझ में आता है परमेश्वर क्यों और कब इसके लिए बात कर रहे हैं। अगर हम राइटली डिवाइडिंग नहीं करते हमें समझ में नहीं आएंगे क्या कर रहे हैं यीशु मसीह, स्वर्गदूतों को भेज रहा है पृथ्वी पर है? तब वो तुरी के शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, 24 का 31 मत्तयो सुसमाचार, और ये आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे।
परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपने चुनियों को इकट्ठा करेंगे 32। और उसके बाद हम देखेंगे चुनियों को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर उनको बचाने के लिए आया है। एक महाक्लेश के बाद परमेश्वर क्या कर रहे हैं, चुनियों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर ने एक उदाहरण देते 37 में, जैसे नूह के दिन थे ऐसे ही मनुष्यों के पुत्रों को आना भी होगा। नूह के दिन में क्या रहा, परमेश्वर ने नूह को बुलाकर बोला तुम एक जहाज बना। नूह ने जहाज बनाया और लगभग उसने प्रचार किया, धार्मिकता की प्रचार किया, हाँ 8 लोगों को बचाया, अपने परिवार के लोगों को बचा लिया, कोई भी उसके बातों को नहीं माना, सब उसके बातों को क्या जाना, तुच्छ जाना। आज के दिन में भी पौलुस की बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रियो ऐसे ही एक दिन आ रहे हैं, परंतु जो विश्वास करते हैं, आपने जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करने से आपको अनंत जीवन प्रभु ने दे दिया है। आपका न्याय जो होगा रिवार्ड के लिए होगा, पुरस्कार के लिए होगा, क्योंकि प्रभु आपका पूरे पापों को माफ किया है। परमेश्वर अपने वादा में क्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, परंतु परमेश्वर ने इज़राइल से वादा किया है। आगे मैं बताता, उसके बाद 37 में 40 को पढ़ेंगे, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक को लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएंगे। प्रियो इसमें भी इस बातों को आपको समझना जरूरी है, किसको छोड़ दिया जाता है और किसको ले लिया जाता है। छोड़ दिया जाता है जो परमेश्वर के साथ राज करेंगे, जो ले लिया जाता है वो अनंत काल के नरक में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा, 1000 वर्ष परमेश्वर राज करेगा। जो छोड़ दिया गया प्रियो वो परमेश्वर के साथ राज करेंगे, जो ले लिया गया है, जो परमेश्वर के वचन को माना नहीं है, अनंत काल, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को ले लिया जाए। आज तक हमें यही पता था परमेश्वर ने ले लिया, बच गए, ले लिया मतलब अनंत काल के नरक में, क्योंकि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा 1000 वर्ष, परमेश्वर ने वायदा करके रखा है। इसीलिए रैप्चर की जरूरत है, इसलिए उठाए जाना जरूरत है। पर हम आज जो मेरा वचन को आप सुन रहे हैं प्रियो, आप चाहते हैं कि लोग बचे, लोगों को बताए परमेश्वर के बारे में बताए। द पर्पस ऑफ द गेट मिनिस्ट्री टू सेव द पीपल, नथिंग एल्स। गेट मिनिस्ट्री का उद्देश्य यही है, लोगों को बचाया जाए विश्वास करने से, हमारा कर्म के जरिए नहीं। हमारा कर्म परमेश्वर के सामने गंदे कपड़े की तरह है जो कूड़ा में डाल दिया जाता है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमें तोहफा दिया है, एक गिफ्ट दिया है, क्या है, अनंत जीवन विश्वास करने से प्रिय। परंतु इज़राइल को क्या है, इज़राइल को विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है, अनुग्रह भी लेना है, तब जाके उसका उद्धार होता है। मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकल रहे, बपतिस्मा लो, जब तक बपतिस्मा नहीं लेते परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाते प्रिय। पर परमेश्वर हमारे लिए उपाय किया है, तो छुपी गुप्त बात परमेश्वर ने क्या किया है, पौलुस को दिया है। तो इसीलिए एक रैप्चर की जरूरत है। मुझे आशा है हम वचन को समझ सके, परंतु कुछ परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो अलग तरीके से वायदा किया है, कंडीशन बेस। तुम अगर करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। परंतु परमेश्वर ने हमें आत्मिक वायदा किया है, एपिसोड के पत्री 1:3, अब विश्वास करते तो परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीष देगा, हर प्रकार की आत्मिक आशीष सबसे परमेश्वर दिया है आपको।
यीशु मसीह हमारे अंदर है। कर्म के जरिए हम क्या नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं, कोई भी जस्टिफाई नहीं हो सकते। विश्वास करिए, विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया सृष्टि बनाया है। आज ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है। अगर यहूदियों को बचना है आज के दिन में, अनुग्रह के जरिए बचेगा। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो विश्वास करेगा परमेश्वर उसको अनंत जीवन दिया। दूसरा रास्ता नहीं है प्रिय, क्योंकि हमें एक नया सृष्टि है, प्रभु हमें नया सृष्टि किया है। ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, क्योंकि एक समय था हम मसीह से अलग थे, हम क्या थे, अलगाव थे, अजनबी थे, इज़राइल की प्रजा से दूर थे, अब खतना रहित थे, आशाहीन थे, मसीह हमारे अंदर नहीं था, हम बिना ईश्वर के इस पृथ्वी में थे। हमारा और इज़राइल के बीच में एक दीवार था, आज वो दीवार परमेश्वर ने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। प्रभु विश्वास करने से आपको आनंद जीवन मिलते हैं, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, और यही हम आपको ऑफर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गरा गया, तीसरे दिन जी उठा। मेरा नाम विश्वजीत दास है, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, इवेंजलिस्ट थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें, उनके साथ जितना भी सेवक लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, दो बचाए जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।